हेलो फ्रेंड्स, आज हम नमक पारे बनाने वाले हैं। तो नमक पारे बनाने के लिए मैंने 5 डिजाइन बनाए हैं, अभी और भी डिजाइन बनाएंगे आगे जाकर। हम इसे बनाते समय 2 से 3 बातों का जरूर ध्यान रखना, जो मैं आगे जाके बता दूंगी आपको। शाम की चाय हो और चाय के साथ नमक पारे मिल जाए, चाय का स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे बना के देखे, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से डिटेल में बता सकूं। चलते हैं दृष्टि रसोई में। ये मैंने मैदा लिया है 400 ग्राम, कटोरी में 4 कटोरी, 1 कटोरी सूजी ली है जिसमें की 100 ग्राम है और 1 कटोरी तेल है। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल दे सकते हैं, रिफाइंड भी ले सकते हैं मून के लिए। और 1-2 चम्मच नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने अजवाइन लिया है। इसको क्रश करके डालेंगे हाथों से, हम अच्छे से मसलना जरूर हाथ से, फिर इसके बाद मिक्स करेंगे अच्छे से हम इसको और देखेंगे कि अच्छे से हुआ है कि नहीं। अभी इसमें सारा ऑयल डाल देंगे हम, जितना भी हमने लिया था ना 1 कटोरी पूरा, 100 ग्राम था पूरा ऑयल, ये मैंने डाल दिया है सारा इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि अच्छे से बन रहा है कि नहीं। ये देखिए ऐसे बनने लग जाएगा तो रेडी है। ऑयल बराबर डला है, 2 ग्लास हम पानी लेंगे, 2 ग्लास छोटे वाले ग्लास लिए मैंने इसमें पानी, और इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंदेंगे। आटा इसका ना नरम होना चाहिए ना ही सख्त होना चाहिए, थोड़ा मीडियम गूंदेंगे, पानी बहुत कम लगेगा। आटे को मलना जरूर, बहुत अच्छे से जितना हो सके मलना, जितना ज्यादा मलेंगे आटे को नहीं अच्छे खस्ता आपके नमक पारे बनेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आटा हो चुका है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और पानी हमारा बहुत कम लगा है इसमें। अब हम गैस पे तेल रखा है, उसको पकाने रख दिया है। जब तक हम आटा 10 मिनट हो चुके हैं, अब आटे को अच्छे से मलेंगे, इसको वापस तेल डालेंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मलना है। दोबारा मल रहे हैं इसको हम आटे को, देखो। फिर उसके बाद कटिंग कर लेंगे 4 भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब 4 पेड़े बना लेंगे इसके, फिर उसके बाद 4 पेड़ों में से हम इसके फिर 2 पेड़ बना लेंगे। अब इसमें से 1 पेड़ा लेंगे और उसको बेलेंगे, बेलने के बाद हम इसका 1 डिजाइन बनाएंगे। देखिए ऐसा होना चाहिए, पतला मोटा भी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग वाला कटिंग करेंगे पहले हम, ये हमारा फर्स्ट डिजाइन हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा डिजाइन बना के भी बताएंगे जल्दी जल्दी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे हम, कोशिश पूरी करूंगी मैं। ये हमारा 1 डिजाइन हो चुका है, इसको निकाल लेंगे ऐसे। देखिए चकले से ऐसे मैंने निकाला है, इसी से निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाते हैं, चिपकते भी नहीं है। ये दूसरा पेड़ा भी बन चुका है अभी हमारा। अब इसको हम तल लेंगे, तेल भी गर्म हो गया है हमारा। अब इसको पलटे में लेते रहेंगे और उसमें डालते जाएंगे, हाथ से नहीं डालना है क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है, गैस को स्लो ही रखना। अब उसके बाद हम दूसरा डिजाइन काट लेते हैं। आपको कैसे लगे ये कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा डिजाइन भी रेडी हो चुका है, ये अभी हमारे कटिंग हो गए दोनों पेड़े, जो हमने कढ़ाई में डाले हैं वो चेक करेंगे। स्लो गैस पे अभी टाइम लगेगा, जब तक हम तीसरा कटिंग कर लेते हैं डिजाइन। ये हमारा तीसरा डिजाइन बना रहे हैं अभी हम। ये बहुत अच्छे बने हैं, छोटे छोटे साइज के बनाए हैं ना, ये तो बहुत बच्चों को बहुत पसंद आया हमारे। अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके कर दें। ये हमारा तीसरा डिजाइन भी रेडी हो चुका है। अब हम नमक पारे चेक करेंगे अपने, पहला घान जो है हमारा बन चुका है ये भी हमारा। अब इसे हम निकाल लेंगे एक पेपर पर, उसके बाद हम दूसरा घान डालेंगे। अभी सबको हल्की आंच पे ही सेकना है ताकि कच्चे ना रहे अंदर से। ये तीसरा डिजाइन भी कटिंग हो चुका है, ऐसे बन गया है ये। अब हम चौथा डिजाइन बनाने जा रहे हैं। ये चौथा डिजाइन रोल करके देखिए ऐसे बन जाएगा, फिर इसको कटिंग कर लेंगे। इसमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना, मोन के लिए जो तेल लेंगे वो 1/4 होना चाहिए मैदा और सूजी के, जैसे 500 ग्राम लिया था तो 100 ग्राम ऑयल होना। ऐसे ही हम दूसरा पेड़ा भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा दूसरा घान भी रेडी हो चुका है। कोशिश करें कि हल्की गैस पे ही फ्राई करना। अब ये तीसरा घान डाल रहे हैं हम, बारीक वाला जो हमारा था ना, तीसरा घान भी रेडी हो चुका है। अब में 10 से 15 मिनट लगता है सिकने में, जल्दी मत करना क्योंकि हल्की आंच पे सेक रहे हैं हम। अब ये चौथा डिजाइन भी डाल देंगे। अब हम 5वां डिजाइन काटेंगे, इसके लिए हमने मोटा बेलना है, को ढक्कन से कटिंग करेंगे। ये हमारी बोतल का ढक्कन होता है उससे ही कटिंग करेंगे, काजू डिजाइन कहते हैं। ऐसे ही कटिंग करते जाएंगे और रखते जाएंगे, ढक्कन को हाफ रखना है, पूरा फुल नहीं रखना, हाफ रख के रखेंगे तो आपका काजू का डिजाइन बन जाएगा। देखिए ऐसे जो साइड निकलेगी उसकी हम मट्ठी बना देंगे। अभी हमारा चौथा घान भी रेडी हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं ये भी। अभी हम 5वां डिजाइन डालेंगे। ऐसे ही हमारे सारे डिजाइन बन चुके हैं, 5 डिजाइन हमने बनाए हैं इसमें। वो कमेंट करके बताएं 5वां डिजाइन कैसे लगे आपको, बन गए ना 5वां डिजाइन? तो ऐसे ही बनाएं और खाएं, बहुत बढ़िया लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।